हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ फिर से मैं मिल रहा हूं। अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 1 अक्टूबर 2022 से दूसरी बार भारत के महान्यायवादी कौन होंगे? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, अमिताभ कांत या एस सुब्रमण्यम? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुल रोहतगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मुकुल रोहतगी की दूसरी बार ये कार्यकाल ग्रहण कर रहे हैं। कब ग्रहण किया इन्होंने? 1 अक्टूबर 2022 को। किसका स्थान लिया है? इसके पहले के वेणुगोपाल हुआ करते थे। और महान्यायवादी के बारे में खास बात क्या है? महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और ये उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। साथ ही ये सदन की दोनों बैठकों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार नहीं होता। साथ ही ये भारत सरकार के क्या होते हैं? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 8 सितंबर को या 5 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को। आज हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। साथ ही हमारे बारे में एक बार और जान लेना है 14 सितंबर के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और हिंदी के विकास में भागीदारी करने के लिए इसको मनाया जाता है। हिंदी को आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में कब घोषित किया था? इसी के आधार पर हमें हिंदी दिवस से मनाते हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, 1949 की हमारी आधिकारिक भाषा होगी, इसीलिए हमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की कभी बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के साथ सितंबर 2022 में किस मंत्रालय द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो गुजरात के साथ जो है कि ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, इनका नाम है ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, जो कि विभिन्न छोटे छोटे रोजगारों से संबंधित है, खास करके दूध उत्पादन से। इसके साथ हमारे पंचायती राज संस्थान ने समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त की जा सके, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। साथ ही स्थानीयकरण, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीयकरण के साकार जो भी हैं उद्योग धंधे, उनका विकास किया जा सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल देखता है, तो DIPP ने क्या निकाला? DIPP ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें कहा क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लगभग 45% उद्योग धंधे अगर किसी ने लिए तो सिर्फ 2 राज्य मिलके, जिसमें से भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। सिर्फ 2 राज्य मिलके इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, लगभग 45% के आसपास। इसमें भी नंबर 1 कौन है? आंध्र प्रदेश है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में कौन सा क्रिकेटर के ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, केन विलियमसन या डेविड वार्नर? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। विराट कोहली के 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साथ ही 2022 की शुरुआत में अगर देखा जाए तो इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की थी, इनके 200 मिलियन फॉलोअर्स कहाँ हुए थे? इंस्टाग्राम पे इनके 200 मिलियन फॉलोअर्स थे और ये पहले भारतीय हैं जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, आइए अगले प्रश्न की बढ़ते सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना इस अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही, काकाडू, पिच ब्लैंक, मालाबार या सिम्बैक्स? तो इसका सही उत्तर होगा काकाडू। यहाँ पे लगभग 14 देशों की नौसेना पार्टिसिपेट कर रही है और ये क्या है, एक तो बहुसंघीय प्रैक्टिस की जा रही है, बहुत सारे देशों की सेनाएं मिलके एक प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ भारतीय सेना भी काकाडू नाम से ऑस्ट्रेलिया में भाग, काकाडू है अभ्यास, उसके में ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इरिट्रिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
प्रकाश चंद को, प्रणय कुमार वर्मा को, विक्रम दुराई स्वामी को, या मुस्तफिजुर रहमान को? तो इसका सही उत्तर होगा क्या, प्रकाश चंद। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रकाश चंद को इरिट्रिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। इरिट्रिया है क्या? इरिट्रिया एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अस्मारा है। इसकी राजधानी क्या है? अस्मारा। खास बात क्या है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता का सितंबर 2022 में निधन हो गया। हम्बर्ट बलसान का, जैक्स बार का, क्रिस्टो बेरिटियर का, जीन ल्यूक गोडार्ड का? तो इसका सही उत्तर होगा जीन ल्यूक गोडार्ड। इस स्विट्जरलैंड के थे और एक काफ़ी फेमस फिल्म निर्माता हुआ करते थे, काफ़ी फेमस फिल्म निर्माता हुआ करते थे। 2007 में इन्हें यूरोपीय फिल्म अकेडमी के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, यूरोपीय फिल्म अकेडमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के लिए भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड या नेपाल को? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश को। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जैसे कि परंपरा रही है कि जो मेजबान देश होता है वो किसी और देश को भी आमंत्रित कर सकता है, तो भारत जो है G20 का मेजबान है कब से कब तक? दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक मेजबानी कौन करेगा G20 के सदस्य देशों की? भारत करेगा। तो भारत, बांग्लादेश के अलावा और भी देश हैं जैसे कि मिस्र हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, साथ ही नाइजीरिया हो गया, साथ ही ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, स्पेन हो गया, UAE हो गया। इन देशों को भी अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा, इन देशों को भी अतिथि देश के रूप में भारत आमंत्रित करेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। UNGC द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। तो इसका सही उत्तर होगा 2023 को बाजरा वर्ष, यानी मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है, बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। UN क्या करता है? हर साल किसी न किसी एक पहल को शुरुआत करता है और साल भर उस पर एक थीम बनाकर उसको विकास में भागीदारी करता है। तो इस बार इन्होंने किस पे? बाजरा पे थीम बनाई है और इसका थीम का नाम क्या दिया इन्होंने? इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। एक इनोवेशन चैलेंज की तरह इसको शुरू किया गया है और एक कॉमिक कहानी इसके ऊपर डिजाइन की जाएगी, इस टॉपिक के ऊपर। और इसमें क्या होगा, पूरे एक वर्ष तक इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? आपके USA में है। इस समय इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो इसके अध्यक्ष समय कसाबा कोरोसी। तो आइए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से दूसरी बार भारत के महान्यायवादी कौन होंगे? तो मुकुल रोहतगी जी होंगे, KK वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है, सॉरी 8 सितंबर नहीं होगा, यहाँ पे 14 सितंबर होगा, ठीक है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के साथ सितंबर 2022 में किस मंत्रालय द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। सितंबर 2022 में कौन सा क्रिकेटर के ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर बन गया? तो विराट कोहली। इनके इंस्टाग्राम पर भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। कौन सा राज्य 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना इस अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है? इसका सही उत्तर होगा काकाडू। 14 अन्य देशों की नौसेना भी इसमें भाग ले रही है। इरिट्रिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा प्रकाश चंद जी को। इस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता का सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो सही होगा उत्तर जीन ल्यूक गोडार्ड।
ये स्विट्जरलैंड के थे। वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के लिए भारत किस देश को अतिथि के देश के रूप में आमंत्रित करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ और भी बहुत सारे देशों को आमंत्रण भेज रहा है। UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 2023 को। तो इसी के साथ आज के हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से जाकर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।